अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज मैंने इंडिया के हवाले से सुबह एक न्यूज़ सुनी थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ लगी है कि इंडिया के वहाँ पर जो ओलंपिक्स हो रहे थे, इंटरनेशनल ओलंपिक्स हो रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया ने पाकिस्तान के दो शूटर्स को वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक्स गेम्स वालों ने, जो फेडरेशन है, उन्होंने इंडिया से उनकी मेज़बानी का जो हक है वो वापस ले लिया, यानी कि ओलंपिक्स की मेज़बानी उनसे वापस ले ली, और नेक्स्ट टाइम उनको मेज़बानी तब तक ना देने का जो है उन्होंने फ़ैसला किया जब तक वो अपने दिल से खेलों से मुतालिक तासुब और नफ़रत के अनासिर को ख़त्म नहीं करते। तो मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा दुख भरी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट खेलों में भी सियासत कर रही है, जबकि इसकी वजह से पाकिस्तान का बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इंडिया का अपना इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने ख़राब हो गया। मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा कि इस काम से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? आपका जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है ओलंपिक्स आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए भी, ज़ाहिर है आपके मुल्क में पैसा आएगा इससे और आप लोगों की आवाम के लिए रोज़गार फराहम होगा, तो आप लोगों ने, आपने उस अपनी ज़िद की वजह से एक जो है पाकिस्तानी उस खिलाड़ी को वीज़ा ना दिया। हालांकि ये तो जो किसी भी मुल्क का खिलाड़ी है वो अपने मुल्क का जो है अमन का सफ़ीर होता है, एम्बेसडर होता है, पीस एम्बेसडर होता है पीस का, लेकिन यह है कि आप लोग तासुब की नज़र से इस चीज़ को देखते हैं, तो इससे नुकसान आपका नहीं हो रहा। आप वो बड़े बड़े सियासतदान ऊपर गद्दियों पर बैठकर जो नीचे वाली आवाम को लड़ा रहे हैं, इससे नुकसान आपका नहीं हो रहा। इससे जो नीचे छोटे तबके वाले लोग हैं, जो छोटे गरीब लोग हैं हमारी तरह के, आप लोग उनका नुकसान कर रहे हैं, आप उनके जहनों को जो है ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आप इससे अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अपने मुल्क का जो इमेज है उसको डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर भी थी ये कि भाई आपने जो है अपने मुल्क का जो इमेज को, अपने मुल्क के जो है इज़्ज़त को दाव पर लगा दिया, लेकिन आपने एक जो है पाकिस्तानी उनको वीज़ा नहीं दिया। तो आपको सोचना चाहिए कि भाई अगर वीज़ा ना देने से पूरी दुनिया का कितने मुल्क के, मेरे ख्याल से कोई 28 से 30 ममालिक जो है उस ओलंपिक में हिस्सा लेते, तो एक पाकिस्तान के उसको वीज़ा ना देने से 28-30 मुल्क के लोग जो हैं आपके मुल्क की तरफ देखेंगे, आपके मुल्क की जो है रिस्पेक्ट है, आप लोग इमेज जो है उस 28 या 30 मुल्क के आवाम के अंदर क्या क्या होगा, आपका किस तरह इमेज बनेगा, किस तरह की इज्जत वो आपके बारे में सोचेंगे। तो दोनों साइड पे जो आवाम है वो इस चीज़ को नहीं मानती, आप लोग जो है आपस में लड़ते रहते हैं, पॉलिटिक्स करते रहते हैं, सियासत करते रहते हैं, कभी किसी चीज़ पर कभी किसी चीज़ पर, लेकिन आप आवाम का नहीं सोचते, नीचे जो छोटा तबका बैठा है आप उसके बारे में नहीं सोचते, और जो ये आम आवाम है, जो इंडियन आम आवाम है, पब्लिक है, मैं उससे भी ये कहना चाहूँगा कि मेरा, हम पाकिस्तानी, ये मैं एज अ पाकिस्तानी, मुझे इस चीज़ का दुख हुआ है कि यार आपके मुल्क की जो है ना वो ओलंपिक्स का जो है वो बंद हो गया है, तो यकीनन आपको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा, क्योंकि मेरे अपने बहुत से दोस्त हैं इंडिया से और काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो इस तरह के काम जो हैं आपके आवाम, जो आपके पॉलिटिशंस कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सारे आपके मुल्क का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि भाई अपने मुल्क का नाम बचाएं ऐसे चोर लुटेरों से, और अपने आप को भेजिए, ये चीज़ें जो है ना आपके मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। हालाँकि वो जो अब इंटरनेशनल फेडरेशन ने ओलंपिक्स का आपके वहाँ पर मेज़बानी जो आपसे ले ली है वापस, उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान को तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो आपके मुल्क का है, आपकी इकोनॉमी को है, आपके मुल्क के इमेज को है, आपके मुल्क के रिस्पेक्ट को है, एक आम आवाम को है, जो नॉर्मल पब्लिक है, जो एक गरीब बंदा है जिसकी इनकम ही इतनी सी है कि वो शाम को, सुबह जाता है काम पर और शाम को जाकर वो घर का खाना खाता है, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से सोचना चाहिए सबको इस बारे में, और ऐसे पॉलिटिशियन से, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो इंडिया के हों, कहीं के भी हों, जो अपने मुल्क का खैर ख्वाह नहीं है, जो अपने मुल्क के लिए भला नहीं सोचता, जो अपने मुल्क का वेल विशर नहीं है, वो किसी का भी सगा नहीं है, क्योंकि मुल्क जो है वो सबसे पहले है। अगर किसी इंडियन दोस्त को ये लगता है कि मैंने ये जो वीडियो बनाई है इसमें मेरा मकसद इंडिया या इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया के आवाम के बारे में गलत बात करना है, तो मेरा हरगिज़ ऐसा कोई मकसद नहीं है,
और मैं सिर्फ इसलिए ये बात जो मैंने आपके सामने पेश की इसलिए की है ताकि जो है आप लोगों को ये पता चले इंडिया के जो आवाम है कि किस तरह पॉलिटिशन जो हैं वो आपके मुल्क का बुरा कर रहे हैं। जब इतने सारे लोग ओलंपिक्स में आपके मुल्क में टेक पार्ट करने आ रहे हैं, जब आप ऐसी बातें करेंगे तो वो आपके मुल्क के लिए गलत होगा, आपके मुल्क के जो है इमेज को वो गलत पेश करेगा दूसरों के सामने। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग भी, ऐसा तो नहीं है आप लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपको पता है आपके मुल्क के लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या बेहतर है, कौन सी चीज़ आपके मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएगी, कौन सी चीज़ आपके मुल्क को नुकसान पहुँचाएगी। तो इसमें सिर्फ ये बताने का मकसद है कि आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपके पॉलिटिशियंस आपके लिए, आपके मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं और आपके मुल्क की इमेज को वो किस तरह जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं। सिर्फ ये मकसद है इसको बताने का, और इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है।